स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली? ए NDA, बी इंडिया, सी BSP, डी निर्दलीय। आंसर ए NDA। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा चुनाव 2024 के वोटों की गिनती 4 जून को संपन्न हुआ। NDA गठबंधन को 295 सीटें मिली तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 231 सीटें जीतने में सफलता मिली है तथा अन्य के खातों में 17 सीटें मिली। देश भर में BJP 242 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी तो वहीं कांग्रेस 98 सीटें जीतकर दूसरी बड़ी दल बनकर उभरी। अगला प्रश्न, हाल के लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? ए आचार संहिता के उल्लंघन की सबसे अधिक संख्या, बी बूथ कैप्चरिंग घटनाओं की कुल संख्या सबसे अधिक, सी मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक, डी पुनर्मतदान की सबसे अधिक घटनाएं। आंसर सी मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक। एक्सप्लेनेशन, भारत ने लोकसभा चुनाव में 64.2 करोड़ मतदाताओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड 31.2 करोड़ महिला मतदाताओं ने हिस्सा लिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 3 जून 2024 को मीडिया को जानकारी दी। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में हुए सिक्किम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया? ए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM, बी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, डी भारतीय जनता पार्टी भाजपा। आंसर ए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM। एक्सप्लेनेशन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM रविवार को हिमालयी राज्य में विधानसभा चुनावों में 32 में से 31 सीटें जीतकर सत्ता में लौट आया। विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट केवल एक सीट ही जीत सका। सिक्किम विधानसभा के चुनाव 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए थे। अगला प्रश्न, अप्रैल 2024 में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया? ए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM, बी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, डी भारतीय जनता पार्टी भाजपा। आंसर डी भारतीय जनता पार्टी भाजपा। एक्सप्लेनेशन, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी BJP सत्ता में लौट आई है। भाजपा ने 60 में से 46 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की। विधानसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के साथ मतदान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 10 सीट पहले ही निर्विरोध जीत ली थी। अधिकारियों के अनुसार जिन 50 सीट पर मतदान हुआ उनमें से भाजपा ने 36 सीट पर जीत दर्ज की और मुख्यमंत्री पेमा खांडू निर्विरोध जीतने वाले 10 उम्मीदवारों में से एक हैं। अगला प्रश्न, अमित पंघाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया? ए पुरुषों की 57 किग्रा, बी पुरुषों की 51 किग्रा, सी महिलाओं की 51 किग्रा, डी महिलाओं की 57 किग्रा। आंसर बी पुरुषों की 51 किग्रा। एक्सप्लेनेशन, भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने रविवार को पुरुषों के 51 किलोग्राम वर्ग में प्रतिष्ठित पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। उन्होंने बैंकॉक में विश्व मुक्केबाजी क्वालिफाई में चीन के लियू चुआंग पर 5-0 के क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत दर्ज की।